सोनाली फोगाट के फार्म हाउस सहित उसकी 50 कनाल जमीन को सुधीर सांडवान पट्टे पर लेना चाहता था। सीधे तौर पर वह फार्म हाउस की लीज अपने नाम न करवा कर उसने क्रिएटिव एग्रीटेक फर्म बनाई थी। इसका पता कच्चा चमारिया रोड रोहतक दिया गया था। सुधीर सांडवान ने लीज के लिए जो कागजात तैयार करवाए वे इसी फर्म के नाम से हैं। इस लीज डीड में सुधीर ने अपना पता हिसार के कृष्ण नगर लिखवाया है। गोवा पुलिस ने लीज के लिए तैयार कराए गए दस्तावेज केस फाइल के साथ अटैच किए हैं। गोवा पुलिस ने गुरुवार को हिसार तहसील में आकर सोनाली फोगाट की जमीन से संबंधित कागजात हासिल किए। उपलब्ध कागजातों के अनुसार धनौर गांव स्थित फार्म हाउस की 50 कनाल जमीन 6 एकड़ जमीन 14 दिसंबर 1989 से 13 दिसंबर 2088 तक 500 रुपए वार्षिक दर पर 99 साल की लीज पर दी गई थी। इस जमीन की लीज को समाप्त करते हुए सेक्टर -15 निवासी दो भाइयों रमेश्वर सिंह व रघुबीर सिंह ने 13 जून 2022 को सोनाली फोगाट व उसकी बहन रेमन फोगाट को वापस कर दिया। सोनाली के नाम 41/100 भाग, यशोधरा के नाम 9/100, रेमन के नाम आधा भाग था। बता दे कि अब इस जमीन का मालिकाना हक इन तीनों के नाम ही था। सोनाली और रेमन के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। इस जमीन में से 12.5 कनाल जमीन सुधीर सांडवान सोनाली फोगाट से 5000 रुपए प्रतिमाह राशि पर 17 जून 2022 से 16 जून 2032 तक 10 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। लीज डीड में 10 साल की अवधि की जगह 18 साल लिखी हुई है। इस लीज डीड का पंजीकरण करवाने के लिए उसने 25 जून और 12 अगस्त व एक अन्य दिन 3 बार टोकन लिया। इन तारीख पर सोनाली तहसील कार्यालय नहीं पहुंच सकी। गोवा पुलिस की टीम CIA टीम के साथ सोनाली फोगाट के बैंक खातों की डिटेल लेने के लिए एक्सिस और SBI बैंक गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बैंक अधिकारियों से गोवा पुलिस को पता चला कि अक्सर सुधीर सांडवान ही पेमेंट लेने के लिए आता। बैंक से रुपयों का लेन देन वही करता था। गोवा पुलिस टीम ने बैंक से खातों की लेन देन रिपोर्ट ली है। गोवा पुलिस इस जांच में जुटी है कि सोनाली के बैंक खाते से किस किस को पैसा जाता था, उसके पास कहां से आता था, इसके बैंक की ट्रांजैक्शन से सुधीर सांडवान का क्या कनेक्शन।